ईश्वर का पता क्या है, ईश्वर रहते कहां पर है। यदि हम ध्यान से सुनते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ईश्वर का हमें सानिध्य मिले। लेकिन यदि हमें ईश्वर की पूजा पाठ करना है, उन्हें प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करें, उनका पता क्या है, वो निवास कहां पर करते हैं। तो महाराज ऐसे ही एक राजा थे। अब राजा के मन में तीन प्रश्न हमेशा रहते हैं। पहला कि ईश्वर एक है या अनेक, दूसरा ईश्वर रहते कहां है, और तीसरा कि ईश्वर करते क्या है। ओ महाराज ये प्रश्न राजा के मन में हमेशा बने रहते हैं। अब राजा अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रहे हैं कि शायद उत्तर मिले, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि देखिए मेरे मन में तीन प्रश्न हैं, यदि किसी के पास मेरे इन तीन प्रश्नों के उत्तर हैं तो आकर के मुझे दीजिए। अब सभी अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से बता रहे हैं। अब पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी है कि राजा के मन में तीन प्रश्न है, पर राजा को उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तब महाराज राजा जो है वो आए दिन सोचते रहते हैं, जो भी दिखता है उससे पूछना चाहते हैं कि वो उनके तीन प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो महाराज ऐसे एक दिन राजा जो है वो अपने घोड़े पर सवार थे, सैर करने जाते हैं, तो उनकी नजर पड़ती है कि वहां से एक संत आ रहे हैं। अब जो संत है वो अपनी कीर्तन की मस्ती में लीन है, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। अब लेकिन जैसे ही राजा की नजर संत पर पड़ती है तो तुरंत समझ जाता है कि इनमें कोई तो अलग बात है। तब महाराज राजा जो है वो संत से पूछते हैं, कहते हैं प्रणाम, मेरे मन में तीन प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे उन तीन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। महाराज संत कहते हैं ये तो गलत बात है, अरे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो तुम घोड़े पर सवार हो और मैं नीचे जमीन पर खड़ा हूं, अरे ऐसे काम नहीं चलता है, उत्तर चाहिए तो पहले किसी जगह पर मुझे रुकवाओ, अच्छे से भोजन करवाओ, फिर तुम्हें उत्तर दूंगा। तब महाराज राजा जो है वो संत को एक कुटिया में रुकवाते हैं, भोजन प्रसादी करवा दी है, कहते हैं अब आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संत कहते हैं देखो आज तो प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, यदि उत्तर चाहिए तो दो दिन बाद आना। कहते हैं ठीक है। अब महाराज जैसे तैसे दो दिन बीतते हैं, राजा फिर से आते हैं, संत कहते हैं देखो उत्तर तो बता दूंगा पर तुम अपने प्रश्नों के उत्तर अकेले में सुनना पसंद करोगे कि पूरी प्रजा के साथ सुनना पसंद करोगे, क्योंकि देखो तुम्हारी पूरी प्रजा को पता है तुम्हारे मन में तीन प्रश्न हैं। राजा सोच विचार कर रहे हैं कि देखिए प्रजा के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं कि प्रजा के साथ सुनना उचित है। संत कहते हैं तो बुला लो। राजा कहते हैं उसमें काफी समय लगता है। संत कहते हैं जितना समय लगे ले लो। तब महाराज एक महीने बाद की तिथि तय होती है, तो उसके बाद संत से कहा जाता है कि देखिए एक महीने बाद की तिथि तय है। तो संत कहते हैं अब एक महीने मुझसे मिलने मत आना, तुम अपना राजपाठ संभालो, निश्चित तिथि पर अब तुम और मैं मिले और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मैं अच्छे से दे दूंगा। राजा कहते हैं ठीक है। अब महाराज राजा के एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मन में जिज्ञासा जाग रही है। तो जैसे तैसे करते दिन बीतते जा रहे हैं। अब वो तिथि आने में मात्र दो दिन बचे हैं। तब संत जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, तो रस्ते में खेत में किसान काम कर रहे हैं, तो जाकर के बातचीत करते हैं। किसान कहते हैं कि मैं जानता हूं दो दिन बाद आपको दरबार में जाकर के उत्तर देना है प्रश्न। संत कहते हैं एक काम बताऊंगा, काम करोगे?
किसान कहते हैं बताइए कौन सा काम है, तो संत कहते हैं कि तुम संत बन जाओ। किसान कहते हैं अरे भाई मैं गृहस्थ इंसान हूँ, बाल बच्चे हैं, परिवार है, कैसे संत बन जाऊं। तो साधु कहते हैं कि हमेशा के लिए संत बनने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि दो दिन बाद जब हमें दरबार में जाना है तो तुम मेरा रूप धारण करना और मैं तुम्हारा रूप धारण करना। किसान कहते हैं बिल्कुल नहीं। अरे राजा को पता चल गया कि आपने और मैंने भेष की अदला बदली करी है तो मृत्यु दंड मिलेगा। संत कहते हैं कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, बस जैसा कह रहा हूं वैसा कर दो। किसान जैसे तैसे मानते हैं। तब दो दिन बाद वो तिथि आती है, अब महाराज राजा इंतजार कर रहे हैं। तो जो साधु है उन्होंने किसान का वेश धारण कर लिया है और जो किसान है उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया है। अब दोनों राज दरबार में जाते हैं तो रस्ते में जो संत हैं जिन्होंने किसान का वेश धारण करा है वो कहते हैं कि देखो राजा तुमसे कुछ भी पूछे। अब ये बात संत उस किसान से कह रहे हैं कि राजा कुछ भी पूछे तो घबराना मत, कह देना कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे देगा। किसान कहते हैं ठीक है। अब महाराज राज दरबार में जाते हैं, राजा देखते हैं कि संत और एक किसान आ रहे हैं। तब राजा को लगता है कि जो संत है असल में वो किसान है, तो कहते हैं आप मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए। महाराज किसान घबरा जाते हैं, तो कहते हैं कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे दे। राजा को लगता है मुझे क्या मतलब, अरे मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तब महाराज राजा कहते हैं ठीक है, अब जो संत किसान के रूप में है वो उत्तर दे रहे हैं। राजा कहते हैं मेरा पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक। तो संत कहते हैं कि देखिए आप एक काम कीजिए, एक हीरो की थाल बुलवा लीजिए, कई हीरे रखवा लीजिए उसमें। कहते हैं ठीक है। अब महाराज हीरो से भरी हुई एक थाल आती है, उसमें हीरे रखे हैं। राजा कहते हैं अब क्या करूं। तो संत जो किसान के रूप में है वो कहते हैं कि देखिए अब आप इन्हें गिनना शुरू कीजिए। कहते हैं ठीक है। अब महाराज राजा गिनती करना शुरू करते हैं, पहला हीरा उठाते हैं, कहते हैं एक। संत कहते हैं बिल्कुल सही, रख दीजिए। फिर दूसरा उठाते हैं, कहते हैं दो। संत कहते हैं दो कहां पर है, अरे हाथ में तो एक है। राजा को लगता है बात सही भी है, हाथ में एक है पर मैं दो कह रहा हूं। फिर महाराज उसे रख देते हैं। फिर तीसरा हीरा उठाते हैं, कहते हैं तीन। संत कहते हैं तीन कैसे हुए, हाथ में अभी भी एक है। महाराज राजा को लग रहा है कि जीवन भर जो पढ़ाई करी वो गलत कर ली है। तो संत कहते हैं कि देखिए इसी तरह से ईश्वर एक है पर उन्हें पूजा कई रूप में जाता है। तब महाराज राजा को लगता है ये तो बड़े बुद्धिमान है। तो राजा को अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है, राजा संतुष्ट होते हैं। राजा कहते हैं अब मेरा दूसरा प्रश्न, ईश्वर मिलते कैसे हैं, कहां रहते हैं। तब महाराज जो संत हैं वो कह रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया है प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, अरे एक बार कुछ पूछ तो लेते कि क्या खाओगे क्या लोगे, आते से ही पूछने लगे। तब महाराज राजा कहते हैं कि बताइए मैं क्या बुलाऊं। तो संत कहते हैं आप बस एक ग्लास दूध मंगवा दीजिए। ठीक है। अब महाराज एक ग्लास दूध आता है तो संत जो है वो उस ग्लास में अपनी उंगली घुमा रहे हैं, काफी देर बीत गई है घुमाते घुमाते। राजा कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो संत कहते हैं मेरा मन हो रहा है कि मैं घी खा लूं, इसलिए मैं इसमें बार बार उंगली चला रहा हूँ। महाराज राजा हंस देते हैं, कहते अरे उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, पहले दही होगा फिर आप मक्खन करोगे फिर तपाओगे अरे फिर जाकर के घी मिलता है, ऐसे मिलने लगा तो हो गई बात। तो संत कहते हैं उसी ही तरह से ईश्वर को प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया होती है, आप सबसे पहले अपना मन साफ करो, ईश्वर को अपना
कोई रिश्तेदार मान लीजिए, यदि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, मित्र मान लीजिए, पिता मान लीजिए, आप उनसे रिश्ता जोड़ लीजिए, अपना मन साफ कर लीजिए और ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, तो उस तरह से एक प्रक्रिया होती है। यदि आप उस प्रक्रिया को करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है। महाराज, राजा को लग रहा है ये तो बड़े बुद्धिमान है। राजा को अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है।